हेलो फ्रेंड्स, पर्षदीय प्राथमिक विद्यालयों में दोस्तों ऐसे तमाम शिक्षक कार्य कर रहे हैं जिनकी आंखें स्वस्थ हैं लेकिन वो दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, कान एकदम स्वस्थ है लेकिन उनके स्वर्णेंद्रियों में विकार है। इसके अलावा वो बधिर होने का दावा करते हैं लेकिन उन्हें पूरा सुनाई पड़ता है, नाक और गले में उनके दोष का उन्होंने दावा कर रखा है, प्रमाण पत्र बना रखा है लेकिन कहीं कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार से अस्थि रोग से संबंधित दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उन्होंने बना रखा है लेकिन वो पूरी तरीके से फिट हैं। ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो दिल और दिमाग से विद्यालयों में नहीं हैं दोस्तों, वो ठेकेदारी और अपनी दुकानें चला रहे हैं और बेसिक स्कूल को पलूट कर रहे हैं, क्योंकि ये वही शिक्षक हैं जो असुरक्षित हैं। उनका ये जो पैसा है बच्चों को पढ़ाने या शिक्षण कार्य में नहीं लगता, उनका पूरा का पूरा दिल और दिमाग खुद को बचाने में और अधिकारियों की जेब गर्म करने में ये लगे रहते हैं। ऐसे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। तमाम दिव्यांग शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने ये शिकायत किया है, और ये शिकायत किया है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि पर्षदीय प्राथमिक विद्यालय जो उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूल हैं वहाँ पे ऐसे शिक्षक भी कार्यरत हैं जो पूरी तरीके से फिट हैं लेकिन उसके बाद इन लोगों ने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना करके हमारी नौकरी को हथिया लिया है। तो ऐसे शिक्षकों की सफाई होने जा रही। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जो फर्जी तरीके से नौकरी शिक्षक कर रहे हैं उनकी सफाई दोस्तों एकदम जारी है, बदस्तूर जारी है। तो आते हैं शिकायत से आपको रूबरू कराते हैं दोस्तों। ये हुई है शिकायत, ग्रीवेंस स्टेटस डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर PMO PG/E 2019/0587867। शिकायतकर्ता का नाम छिपाया गया है, गोपनीय रखा गया है। प्राप्त जो PMO को प्राप्त हुई है ये चिट्ठी, वो 30 सितंबर 2009 की है और मंत्रालय विभाग द्वारा प्राप्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और बात करते हैं इसमें कि सेवा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय सानुरोध अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में प्रदेश भर के जनपदों में कुछ ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं जो खुद को दिव्यांग की श्रेणी में विभाग में पंजीकृत करा उसका लाभ भी ले रहे हैं। शहर के नज़दीक पोस्टिंग लेना, चूंकि उनका माना ये जाता है कि ये फिजिकली फिट नहीं है तो शहर के बगल पोस्टिंग उन्हें मिल जाती, दिव्यांगता का उनके प्रमाण पत्र है, दिव्यांग भत्ते भी लेते हैं। जबकि अधिकांश ऐसे शिक्षक दिव्यांगता की श्रेणी में वास्तविक रूप से आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वास्तविक रूप से आते ही नहीं हैं, जो वास्तविक रूप से आते हैं वो दूर दराज रहते हैं उनकी पोस्टिंग। साथ ही सरकार व विभाग की आंख में ये धूल झोंकते हैं, सरकार की आंख में भी धूल झोंकते हैं, विभाग में चूंकि इनका पठन पाठन में इनकी रुचि नहीं होती, ये अपनी दुकान या ठेकेदारी चलाते रहते हैं और असुरक्षा की स्थिति में अधिकारियों की जेब को गर्म करते हैं और उन तरीकों को हमेशा खोजते रहते हैं ताकि इनकी नौकरी बची रहे। झांकते हुए शासकीय राजस्व को चूना लगा रहे हैं, जबकि जो शिक्षक वास्तविक रूप से दिव्यांग व अक्षम हैं उन्हें जनपदों के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति दी गई है, जिससे वे भारी संकट का सामना कर रहे हैं। अस्तु, आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त समस्त दिव्यांग शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जाँच के साथ मेडिकल बोर्ड द्वारा भी वास्तविक रूप से जाँच कराने की कृपा करें, सा धन्यवाद। तो दोस्तों इस तरीके से एक लेटर रिसीव हुआ है, उसकी तारीख 30 सितंबर 2019 है। अधिकारी जिन्होंने इसे रिसीव किया है श्री अम्बु शर्मा जी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं पब्लिक विंग 5th फ्लोर रेल भवन नई दिल्ली। अम्बु शर्मा जी की ईमेल आईडी भी लिखी, ambushsharma38@nic.in। इनका अम्बु शर्मा जी का पता भी लिखा है। तो दोस्तों शिकायत हुई है और केंद्र सरकार को शिकायत हुई है, साफ तरीके से पारदर्शी तरीके से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और मेडिकल बोर्ड की जांच अगर कराई जाती है तो तमाम मुन्ना भाई इसमें से बाहर होंगे और बाहर होने भी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे जो बच्चे हैं,
जो हमारे भारत का भविष्य हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ ये खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना। लेकिन अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।